वेलकम गाइस ITL पर वीडियो में वीवो का फ़ोन। इसमें अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आपको कैसे शॉर्ट आउट करें ये मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, सेम तरह से बस आपको प्रोसेस करना है और आपकी जो ये हैंग टच की प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी देखो मैं टच चलाता हूँ तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है टॉलबैक मोड ऑन, तो यहाँ पर ये देखें ये बॉक्स बनकर आ रहा है, बस ये ग्रीन सा बॉक्स आ रहा है, ये देखें। बस ये बॉक्स बनकर आ रहा है और इसमें जो है कोई टच वर्क नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको इस सिचुएशन में टू फिंगर का यूज़ करना है। जब आप टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपकी टच वर्क करने लगती है, ये देखिए टू फिंगर पे आपकी टच वर्क करने लगेगी। तो जो सेटिंग वाला ऑप्शन होगा आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब हम जो है बाकी दूसरा सेटअप करेंगे, तो अब हम नीचे चलते हैं। तो सिंगल फिंगर से काम नहीं कर रहा, हमें टू फिंगर का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको सिलेक्ट करके डबल प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, ये रहा एक्सेसिबिलिटी, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें इस पर डबल प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ओपन हो गया है। अब ये ऊपर देखेंगे जो ये ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, इसके पीछे आप देखेंगे टॉल बैक का ऑप्शन शो होगा आपको। ये टॉल बैक, आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर डबल प्रेस करना है फिर से, ये देखें यहाँ पे ये टॉल बैक का ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें डबल प्रेस करना है, यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आ गया है, सिलेक्ट करेंगे फिर स्टॉप कर देंगे इसे डबल प्रेस कर। और ये जो प्रॉब्लम थी डबल फिंगर वाली हैंग टच वाली, ये अब शॉर्ट आउट हो गई। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।